साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली। पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली की दुआएं। नवाज शरीफ सऊदी अरब में एक हफ्ता क्याम के दौरान अहम मुलाकातें भी करेंगे। नवाज शरीफ 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे। 3 दिन क्याम के बाद खसूसी तैयारे पर लाहौर के लिए रवाना होंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मीनारे पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान करती, रियासत ना बचती तो सबकी सियासत दफन हो जाती। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का ताजिरों से खिताब, बोले नवाज शरीफ के दौर में मुल्क ने तरक्की की। कायद मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। नवाज शरीफ का वापसी पर तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। मरियम नवाज ने कारकुनों से खिताब में कहा, मुश्किलात में घिरे पाकिस्तान को फिर नवाज शरीफ की जरूरत है। मुल्क को कौम से वादे निभाना और मुश्किलात से निकालना ही नवाज शरीफ की रिवायत है। अवाम नवाज शरीफ को दो तिहाई वोट दें, नवाज शरीफ आपको महंगाई से निजात दिलाएगा। शेखुपुरा से स्मगल शुदा ईरानी ऑयल के 35 टैंकर्स पकड़े गए। 1 अरब रुपए मालियत का स्मगल शुदा ऑयल शेखुपुरा के इलाके माछी के से पकड़ा गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने खुफिया इतला पर पुलिस के साथ कार्रवाई की। तर्जमान इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुताबिक स्मगलर्स के खिलाफ तवील तरीन ऑपरेशन 72 घंटे तक जारी रहा। और रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का 14 अक्टूबर को टकराव, बड़े मुकाबले से कबल बड़ी तकरीब सजाने की तैयारियां। मारूफ कुलकार अरजीत सिंह मैच से कबल अपनी आवाज का जादू जगाएंगे। पाक भारत मैच देखने के लिए सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन को भी मधु किया गया।